अभी दोस्तों हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। अभी हम आ गए साकड़, यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। अभी जा रहे हैं माता जी के मंदिर, अभी रानीवाड़ा पहुँचने वाले हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम माता जी के मंदिर जा रहे हैं, बाइक लेकर ही जा रहे हैं। सुनील से अभी घर पर है, हम दोनों ही जा रहे हैं। देखो बाल पूरे खड़े हो गए। अभी हम बीच में रुके हैं पानी पीने के लिए। अभी हम माता जी के मंदिर बिल्वेश्वर पास, अभी 10-15 मिनट का रास्ता है, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ जाकर आपको बताएंगे, दिखाएंगे सब। अभी हम पहुँच गए हैं बिल्वेश्वर से 2-3 किलोमीटर दूर रहे, अभी बिल्वेश्वर जाके बताते हैं आपको। 12 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं माता जी के मंदिर बिल्वेश्वर। बहुत सारे बादल हैं, इतनी धूप नहीं लगी बाइक पे, आराम से आ गए 50-60 की स्पीड से। अभी हम पहुंच गए माता जी के मंदिर, अभी प्रसाद चढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गया। और 12:30 बजे तक हम पहुंच गए इधर। इसमें होटल पे रुके थे नाश्ता चाय पानी करने के लिए। आज इतनी गर्मी नहीं है, बहुत सारे बादल हैं तो इतनी धूप नहीं थी, साए साए में आए हैं। एकदम गर्मी भी नहीं थी, बाइक पे ठंडी हवा चल रही थी और 50-60 की स्पीड से आए हैं। अभी हम माता जी के मंदिर पहुँचे गए बिल्वेश्वर। अभी हम माता जी के मंदिर पहुँच गए बिल्वेश्वर। ये हमारे माता जी का मंदिर है, ये गांव में एक फेर पाल पे, उस पर हम जाने वाले हैं। अभी हमें दर्शन भी कर लिए, हम 12 बजे तक पहुंच गए। ये देखिए बड़ा है बहुत ही हमारे माता जी का मंदिर। यहाँ रहने के भी जगह है, रहने की यहाँ पे बिल्वेश्वर पूरी सुविधा है, कोई भी रात को आ तो रुक सकता है। अभी इच्छा सुनील घर पर है, हम बाइक पे ही आए। इच्छा सुनील को पहली बार हमने घर पर रखा है। सुनील ने एक बार फोन किया, मम्मी पापा कहाँ पर गए अब। अभी इधर माता जी के मंदिर है गांव में, फिर जाएंगे तालाब वहाँ पे। ये बहुत ही बड़ा माता जी का मंदिर है, सच्ची है माता मंदिर। देखो अंदर माता जी, और वहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाएंगे। ये पहले बिल्वेश्वर जागरण थी 2023 में, हर साल में एक बार तो हमारे बिल्वेश्वर माता जी के मंदिर जागरण होती ही है। अभी हम आ गए हैं तालाब पे, यहाँ पे माता जी का मंदिर है। ये सुंदरी माता जी का मंदिर है, बहुत सारे इधर कुआ भी है, हाथी भी बनाए हुए हैं। कागड़ा है हमारे यहाँ, उसको कागड़ा बोलते हैं। बहुत सारे कागड़े भी है यहाँ पे माता जी के मंदिर। अभी हम लाड़ा, ये वड़ वृक्ष का पेड़ है, बहुत बड़ी साया है और तालाब में फुल पानी है। अब की बार फुल तालाब भरा हुआ है, दोनों साइड पानी पानी। तो यहाँ से भी प्रसाद चढ़ा के निकलेंगे सीधा खोड़ेश्वर महादेव, वहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा है। तो आप वीडियो में बने रहे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पूरा देखा करें हमारा। ये देखिए कागड़े, कितने सारे कागड़े हैं, बहुत सारे कागड़े पड़े झाड़ पे, ये झाड़ भी पुराना है। तो अभी वापस रवाना हो रहे हैं यहाँ से।
यहाँ पे ये बहुत धूप है, मैं तो थक गई हूँ अभी बाइक पे बैठ बैठ के। यहाँ से अभी रवाना होते हैं, जा रहे हैं उडल में खाना खाएंगे, वहाँ से जाएंगे खोड़ेश्वर महादेव मंदिर। ये बोरवेल देखो, इधर इतनी सुविधा रहने के लिए भी इधर व्यवस्था है, वो नया बन रहा है। ये बोरवेल है नहाने के लिए, पानी पीने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। हमारे वहाँ से हम कभी कभी दीपावली पे आते हैं पैदल यात्रा। देखो कितना बड़ा तालाब है, फुल पानी है अभी तो इस साल। व्यवस्था इधर रहने के लिए बहुत बड़ा गेट है, रहने के लिए व्यवस्था है। ये बर्तन है प्रसाद बनाने के लिए, ऊपर पड़ा है सगड़ी वगैरह। और ये कोठा दिख रहा है कबाड़, इसके अंदर बिस्तर है रात को सोने के लिए। जब भी पैदल यात्रु या कोई रहने के लिए आता है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है, सब व्यवस्था है अंदर। वो है चिड़ियाघर, जो कबूतर वगैरह दाना देने के लिए वो है। देखो इतना बड़ा तालाब है, कितना पानी पानी। वहाँ माता जी का मंदिर है और ये सामने तालाब है। ये गांव है बिबलसर, जालौर से 10-15 किलोमीटर, शायद 25 किलोमीटर पहले आता है जालौर जाते हैं। रामसिंह और जालौर के बीच में है बिबलसर, मांडुली से आगे। यहाँ पे हमारे माता जी का मंदिर है, हम कई सालों से इधर आते हैं। और मंदिर के पीछे भी देखो पानी पड़ा है पूरा। माटी के गिलास में चाय पी रहे हैं। खाना खाने के लिए रुके हैं इधर होटल में। बहुत सारे पहाड़ हैं और बादल है, अभी बारिश आने वाली है। अभी हम बाइक पे चल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं खोड़ेश्वर, बाइक पे है, अभी 10-15 किलोमीटर दूर रहे हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है, पहाड़ों में चल रहे हैं, खुला रास्ता है, कोई भी नहीं आ रही है गाड़ी वगैरह कुछ। वहाँ देखो धुआं धुआं दिखाई दे रहा है पहाड़ों के ऊपर, कैमरे में नज़र आ रहा है नहीं, हमारे को दिखाई दे रहा है। अभी आगे है पहाड़ों में, ये पहली बार आ रही है खोड़ेश्वर। वहाँ जाके देखते हैं झरना चालू है कि नहीं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ पे। सुनीलिचा भी घर पर है, वो बहुत सुंदर सुंदर गांव आ रहे हैं, बारिश के टाइम हरी भरी हरियाली है। और पीछे देखो पहाड़ दिखाई देंगे, बहुत दूर दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी हम पहाड़ों में आ गए हैं, अभी धूप भी बहुत है, यहाँ पे बारिश भी नहीं है। ये देखो घोड़ा गया, बारिश आने जैसा मौसम हो गया है। हमारे उधर तो बहुत धूप थी, अभी इतना साया है और बारिश आने वाली है। पहाड़ों में ऐसा मौसम रहता है, एनी टाइम पहाड़ों में बारिश के टाइम ऐसा ही मौसम रहता है, बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, बहुत ही सुहाना मौसम है। और अभी धीरे धीरे चल रहे हैं खोड़ेश्वर की तरफ जा रहे हैं बाइक पे। धूप में आए पूरे दिनों में, सुबह 9 बजे घर से निकले थे हम, पूरे दिन हम धूप में हमारे निकल गए। अभी अच्छा आया है मौसम यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। पूरे पहाड़ों पे बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोनों साइड पहाड़ है। अभी हम खोड़ेश्वर रास्ते पे एंटर हो गए हैं, सामने देखो पहाड़ दिखाई दे रहा है,
हरी भरी हरियाली है। यहाँ से 5 किलोमीटर अंदर है कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो आप हमारे वीडियो में बने रहे, हम वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, सब बोल्डी बोलते हैं, उनके बोर लगते हैं। बहुत सारे पेड़ हैं, अलग अलग पेड़ अंदर भी हैं, लेकिन रास्ते पे सब बोल्डी दिखाई दे रही है। तो बहुत ही सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम, मानसून भी बहुत अच्छा है। रास्ता कराता हूँ, अभी हम पहुँच गए हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आप। अभी हम कोटेश्वर आए, बहुत सारा धुआं धुआं हो गया है उसको। बारिश चालू हो गई है, पहाड़ों में देखो झरना भी चालू हो गया है। इधर सब पार्किंग है, ये सब फ्री पार्किंग है कोटेश्वर।